ए कुमार, शादी का काम छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहा है? ए, तू तो बेशरम है ना, जाकर देख वो लोग क्या कर रहे हैं। सबको पता था, इसलिए कोई दोस्त नहीं आया। तुझे तो खुश होना चाहिए कि कम से कम मैं तो यहाँ आ गया, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है दोस्त, चल जा। मुकेश कहाँ है? यही तो खड़ा था, वो लो वहाँ खड़ा है। एक मिनट रुक जाओ, मुकेश यहाँ आओ ना, आओ जल्दी, आओ आओ बेटा, आओ ना, कह रही हूँ ना, आओ आओ ना। ठीक हो ना पूजा? थोड़ा पी लो ना। अरे रे 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 रे। पूजा को कोल्ड ड्रिंक्स नहीं जमता सर, ग्रेप जूस पीती है। ये लो पूजा। जी आप लीजिए सर। रो मत बेटा, खुशी से जाओ, खुश रहना, तुम नानी का ख्याल रखना। हाँ ठीक है पूजा। लाइट चली गई। डर लग रहा है क्या? हे डोंट वरी, आराम से बातें करेंगे। मेरी बातों का बुरा मत मानना। शादी से पहले तुमने किसी से प्यार किया था क्या? नहीं जी, आज तक मैंने किसी से बात तक नहीं की। मैं सिर्फ मुकेश को ही जानती हूँ और किसी को नहीं जानती। तुम्हें चमेली के फूल पसंद है? बहुत अच्छी पसंद है तुम्हें। पसंद है। मुझे गुलाब पसंद है, क्योंकि वो अपनी रक्षा के लिए अपने साथ कांटे रखता है। आज बातें करके मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ऐसी बात नहीं है जी। La 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 la.
बीमार नहीं पड़ना। पढ़ ही तो रहा हूँ। नहीं, आप नहीं पढ़ रहे। मैं सच में पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब आप मुझे नहीं देख रहे थे? नहीं। क्यों, मैं देखने लायक नहीं हूँ क्या? मैं तुम्हें ही देख रहा था। शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ली थी। दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। कितनी जल्दी छुट्टियां खत्म हो गई ना। ये बताओ कि तुम्हारा और मुकेश का क्या रिश्ता है? रिश्तेदार नहीं कह सकते, लेकिन मेरे और नानी के लिए किसी रिश्तेदार से भी बढ़ के है वो। मैं कुछ भी मांगती हूँ तो कुछ भी करके मेरे लिए ले आता है। बहुत अच्छा इंसान है वो। सच कहूँ तो वो मेरे लिए भगवान की तरह ही है। ये बताइए, आप आज जब से आए हैं तब से मुकेश के बारे में ही पूछ रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगा था कि आप हमारे बारे में बात करेंगे कि हमें कैसे रहना है, पर आप बकवास कर रहे हैं। तो मैं बकवास कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ। बेटा मुकेश। क्या हुआ दादी? जल्दी से आओ, अंदर कुछ सामान खरीद रखा है, ले जाकर उसे बहाने से देकर और देख कर आ। मैं अकेले कैसे जाऊंगा, आप भी चलो ना। तू जाकर कमीज पहन कर आ। मैं भी आना चाहती थी लेकिन क्या करूं, काम पर जाने के पैसे लिए है ना। वो देखो सब जा रही हैं। मैं नहीं गई तो मुझे मार देंगी। तुम अच्छे से जाना। अच्छा सुन, अगर पूजा पूछे कि मैं क्यों नहीं आई तो कह देना मैं बाद में आऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। अरे मुकेश आओ आओ, कैसे हो तुम? तुम इतने दुबले कैसे हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ खुश हो ना? क्या हुआ, नानी नहीं आई? दादी बाद में आएंगी। सर कैसे हैं? अच्छे हैं। आओ देखिए तो कौन आया है, आइए बाहर। कौन है? रुको आ रहा हूँ। नमस्ते मुकेश, कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा हूँ। आओ बैठो बैठो। और बताओ, घर पे सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है सर। अच्छा तुम क्या करते हो? मैं खेती करता हूँ। अच्छा खेती करते हो। आप तो ठीक है ना? अच्छा। सर कोई दिक्कत तो नहीं है? पूजा तंग तो नहीं करती? मैं भी ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है आखिर? तुमसे कुछ पूछना था। मैं भी आता हूँ। नहीं नहीं तुम बैठो, तुम बैठो बैठो, आता हूँ। ठीक है सर। क्या है? चुप करो ना, तुम्हें चिकन पसंद है ना? तुम बस बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये लो पियो। हम वहां आने के बारे में सोच ही रहे थे कि तुम ही यहाँ पर आ गए। हाँ। नानी ठीक तो है ना? हाँ। समय पर खाना खाती है ना? बस हर समय काम काम करके भागती रहती होगी। वो किसके लिए कमा रही है अब? हमारे साथ आकर रहने को कहा तो वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। मुझे यहाँ भेजने के बाद तुम लोगों को मेरी याद नहीं आई क्या, बताओ? या सोचा कि चलो मुसीबत छूटी। तुम्हें ऐसे कैसे भूल सकता हूँ पूजा? लेकिन मैं तुम लोगों को हर रोज याद करती हूँ। अब तुम शराब तो नहीं पीते ना? नहीं पूजा। कसम भुलाकर दोबारा पीने लगे हो? हाँ नहीं पूजा। पीना मत। हाँ ये कमीज तुम पर बहुत अच्छी लग रही है पूजा। तुम भूल गई क्या, इस कमीज को तुम ही लेकर आई थी? शादी के बाद तुम सब भूल गई हो? हम्म।